वेलकम फ्रेंड, एक और न्यू गेम प्ले पे। तो आज की गेम प्ले में हम उतरे थे रोजो पे, रोजो की दूसरी साइड में। तो दोस्तों, ये गेम था डुओ वर्सेस स्क्वाड का गेम था, स्टार्टिंग के लिए कही था। और जितने भी वैसे बंदे थे वो बिल्कुल भी दोस्तों रस गेम प्ले था नहीं, क्योंकि जितने भी यहाँ पे स्क्वाडे आए थे वो सब कैम करके खेल रहे थे, और ज़्यादा स्क्वाडे भी देखने को मिलती नहीं है। तो यहाँ हमें सीधे बेसिक लूट देखने को मिलती है, और लूट भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं थी। तो म्यूज वाले कंपाउंड में मुझे बिल्कुल भी कुछ डंकी गन नहीं मिलती, यहाँ पे बस एक यूज ही मिलती है, उसके अलावा मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलता है यहाँ पे। कुछ भी गन एक्सपेक्ट करने को मिलती नहीं है यहाँ। तो इतने में दोस्तों मैं यहाँ छत में आ जाता हूँ, छत में आके स्पॉट करता हूँ कि बंदे कितने हैं, क्योंकि इस घर के आगे से मुझे साउंड आ रहा था बंदों का, देखते कितने बंदे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तो एक स्क्वाड दोस्तों देखने को मिल जाता है। इसके दो बंदे तो इजीली नॉक हो गए, बारे तीसरे बंदे की, दूसरा बंदा कहाँ से आता है देखते हैं आप। तो यहाँ पे इस स्क्वाड के तीन बंदे आ जाते हैं, जो तीनों नॉक कर देता हूँ यूजी से, और यूजी के एमओ भी बिल्कुल खत्म होने वाले होते हैं। तो अब मैं पीछे बार अपनी एमओ देख लेता हूँ, बिल्कुल नहीं तो उन तीन मार के मैं इनसे एमओ ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अगर बिना गन के और एमओ के जाऊँगा तो सीधे ठेले जाऊँगा यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसके बाद देखता हूँ मैं, गन काफ़ी अच्छी गन होती है, इसके बाद M4 देखने को मिलती है। और जो यहाँ पे एक बंदा आता है बनी से नॉक कर देता है, वो बॉट होता है बिल्कुल भी, आपको देखने को मिलेगा बनी यहाँ पे कॉल देता है, बॉट होता है एकदम। तो इतने में दोस्तों यहाँ से मैं जा ही रहा था, मैं भी आपको देखने को मिलेगा ऊपर पहाड़ी से, जो दोस्तों तंबू था वहाँ से बंदे आके बनी को मार के चले जाते, मार के चले नहीं मतलब नॉक हो जाता है बनी। और यहाँ पे मैं आके मैं कवर ले लेता हूँ रिच का। तो इतने में ये बंदा पूरा बनी को फिनिश कर रहा होता है, तो इससे मैं नॉक कर लेता हूँ इजीली। इस पर ध्यान मेरा बिल्कुल भी नहीं जाता है, ये मुझे बिल्कुल भी देख नहीं पाता है। अब बचा है लास्ट बंदा, बचा है दोस्तों, देखते हैं वो किधर है। वो पहाड़ी में तो उसे इजीली मार लिया, अभी इस बॉट की पारी है। तो यहाँ पे इस बॉट को भी काफ़ी इजीली मार लिया हमने, और यहाँ पे हम लूट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास लूट बिल्कुल भी कुछ खास है नहीं। इसको ले लेंगे अब। तो ये बंदा या बॉट जो भी था वो दोस्तों कवर में चले जाता, बिल्कुल भी उसे डैमेज होता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक बंदा लेटा होता है, जिसे मैं नॉक करके छोड़ दूँ, क्योंकि अकेला ही होगा या फिर बॉट भी हो सकता है। तो इसे मारने के बाद दोस्तों डायरेक्ट मैं जाता हूँ उस वाले बंदे के पास या बॉट के पास, जो घर में डायरेक्ट कैम कर रहा था या बॉट जो भी था कैम कर रहा था। तो अब चलते हैं उसे पीटी बनाने। तो यहाँ पे ये भी नॉक हुआ था, तो डायरेक्ट ये भी किल हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हो गए 9 किल, और यहाँ पे 1 किल मुझे उसका भी मिल जाता है, जिससे मैंने नॉक छोड़ा होता है। और डायरेक्ट मैं इस घर में आ जाता हूँ, और जो भी मेरे पास लूट होती है उन सबको स्टेबलाइज करता हूँ, मतलब फालतू लूट होती है कुछ स्कोप सेट करता हूँ। उसके बाद डायरेक्ट दोस्तों मैं यहाँ से निकलने के लिए यहाँ पे गाड़ी ले लेता हूँ। गाड़ी के बाद दोस्तों मुझे यहाँ पे बाइक मिलती है, जिससे बाइक को मैं चेंज कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे बग्गी में, क्योंकि बाइक में बहुत ज़्यादा फास्ट हो जा सकते हैं, पर बग्गी काफ़ी सही रहती है, क्योंकि अगर पुलिस स्क्वाड किसी ने फायर दिया तो काफ़ी अच्छे स्टेबल बचा सकती है यहाँ पे बग्गी। तो अभी इतने में दोस्तों मैं यहाँ पे नीचे आके स्पॉट कर लेता हूँ कि कितने बंदे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो मुझे पूरे स्पॉट तो होते नहीं, दो बंदे दिखते हैं बस घर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एंगल अपना चेंज करते हुए जा रहा था, और चेक कर रहा था कि यहाँ पे कोई बंदे मुझे देखने को मिल जाए, डायरेक्ट उन पर नॉक कर निकालूँ और डायरेक्ट पुश कर दूँ। तो इतने में दोस्तों यहाँ पे इस एंगल में कोई होता नहीं है, तो यहाँ पे मैं नेट कुक करके सीधे चले जाता हूँ, यहाँ पे एक नेट फेंकता हूँ, जिसका फ़ायदा बिल्कुल भी होता नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बंदे होते नहीं हैं। एक नेट और कुक करता हूँ सीढ़ी पे दोस्तों, इससे मुझे पता चल जाता है कि ज़्यादातर बंदे दोस्तों वो नीचे बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे मैं स्पॉट करने लग जाता हूँ, वो फुटमार्क आते हैं जो बाहर की तरफ से आते हैं। तो इतने में दोस्तों इनका जो बंदा होता है वो फ्लैंक मारता है काफ़ी पहाड़ी के साइड से, और काफ़ी गंदा डैमेज देता है देखना यहाँ पे। तो इसने लगभग मुझे ख़त्म ही कर दिया था वो, तो अच्छा मैं कवर में आ गया और डायरेक्ट हेल्थ मारता हूँ बारी इस बंदे की। तो भाई ये साइड से फ्लैंक निकालने आते हैं, हमने इसका फ्लैंक निकाल दिया काफ़ी ईजीली कवर लेके दोस्तों। तो बारी है दोस्तों उस बंदे की, इसका फुटमार्क आ रहा था। तब लास्ट बंदा बचा है दोस्तों, यहाँ पे स्क्वाड के तीन ही बंदे होते हैं यहाँ पे। तो डायरेक्ट मेरे पे चढ़ जाता है, और यहाँ से मैं इसके इजीली किल कर लेता हूँ। और दोस्तों फ्लेयर वाले बंदे यही होते हैं, और यहाँ के पास इसके पास M249 और ओम होती है। ओम तो मैं उठाता नहीं, क्योंकि दोस्तों चार बंदे हैं,
तो यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है यहाँ पे गन की, क्योंकि M249 इनफ तो है, पर दोस्तों कभी कभार अगर जरूरत पड़ जाती है तो क्लोज रेंज में स्नाइपर का कुछ फ़ायदा होगा नहीं, और स्नाइपर तेजी में चलाता भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं सीधे चले गया अपनी गाड़ी चेंज करने, यहाँ पे अपनी गाड़ी में चलूँगा क्योंकि मैं बग्गी में आया था, तो बग्गी में जाऊँगा। इस गाड़ी में तो दोस्तों ईजिली ठिल जाऊँगा किसी भी स्कॉट से। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बग्गी उठा लेता हूँ, अब बग्गी उठा के सीधे निकल जाता हूँ जोन के तरफ। जोन बन रहा था दोस्तों डायरेक्ट कोचिंग के यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आज मुझे यहाँ पे कुछ फायर सुनने को मिलता है। अब देखना यहाँ पे क्या ही सीन होता है मेरे साथ, बहुत गलत स्कैम होता है ऐसा। स्कैम अगर दोस्तों आपके साथ होगा तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता हूँ, आगे से फायर पड़ता है और राइट साइड से फायर पड़ता है, तो मैं अगर कवर में आ जाता हूँ। तो इतने में दोस्तों यहाँ मैं घर के साइड जाता हूँ और M249 होते हुए यहाँ पे TPP लेने जाता हूँ। तो दोस्तों इसके टीममेट बहुत ज़्यादा चारों तरफ फैले होते हैं, मैं देखता हूँ कि आगे साइड और पीछे साइड यहाँ से भी फायर पड़ लेते बंदे, कोई डायरेक्ट यहाँ पे थर्ड पार्टी करने तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं स्पॉट करता हूँ, कोई भी मिलता नहीं है, तो बचे इसके बंदे जो आगे साइड थे, अब बवा रही हैं उनकी। तो देखना यहाँ पे मेरे साथ क्या ही स्कैम होता है, इतना गंदा स्कैम होता है, क्योंकि जो मेरे एयरफोन थे उनमें से नेट कुक की आवाज़ बिल्कुल भी, बगल वाले घर से नेट कुक करता है, मुझे बिल्कुल भी नेट की आवाज़ आती नहीं है दोस्तों। क्या ही स्कैम होता है मेरे साथ, यहाँ पे अभी आपको देखने को मिलेगा। एक सामने वाले स्टोरेज में बंदा मिल गया, तो मैं चेक कर रहा था कहीं से भी वो पीक दे, तो मैं हल्का सा नॉक करके निकालूँ और डायरेक्ट पुश कर दूँ। तो इतने में दोस्तों वो बंदा पीक देता है, और देखना क्या ही स्कैम होता है मेरे साथ। एक बंदा नेट कुक करता है बगल वाले घर से, जो बिल्कुल भी साउंड नहीं आता है, देखना नेट फटा। उसके बाद जैसे मैं वो पीक दिया, उसने मैं फायर देने लगा, उसने मुझे मार दिया। तो चलो फ्रेंड, अच्छी वीडियो पर तय मिलता है, अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।